मेरा घर में जब भी मेहमान आए करा है ना, तो ज़रूरी ना हो कि उन लोग पनीर या फिर छोला की सब्ज़ी ही बना के खवाएंगा। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में, और मेरी मम्मी ज़्यादा अक्सर यही बनाए करी जब मेहमान आए करा है। करनो कहा है बेसन लेनो है, वहाँ में कुछ मसाला डाल देंगे, मैं सब ने लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो आप फोन चेक कर लियो। जब बेसन में मसाला डाल दियोगा तो वहाँ के बाद थोड़ा सा पानी डालियो और या टाइट से गूंद लियो। टाइट से गूंदना के बाद छोटी सी गोली सी बनायो। जब सारी गोली बन जाएगी वहाँ के बाद हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई, वहाँ में डालेंगे तेल और थोड़ा सा जीरो। जब जीरो तड़कन लग जाएगा या हम डाल देंगे हम प्याज, थोड़ी सी भूनेंगे बस, और सीधा टाइम डाल देंगे बेसन की गोली ने। और साइड में एक प्लेट में काट लेंगे टमाटर, और टमाटर में डालेंगे कुछ मसाला, इन्हें भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, चेक कर लियो। जब बेसन की गोली भूरी भूरी सी होने लग जाएगी या टाइम पे हम यहाँ डालेंगे टमाटर और इन्हें 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट बाद हम यहाँ पानी डालेंगे और यहाँ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। या के बाद 10 मिनट ढक के पकायो और गर्मा गर्म सर्व करके खिलायो। अब मैंने तुम्हें इतनी अच्छी रेसिपी बताई तो मेरे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। बाय बाय, थैंक यू।